दिल्ली में थी, लखनऊ में बात है। चलिए भैया। सो हेलो गाइज, दिस इज द वेरी फर्स्ट ब्लॉग ऑन दिस चैनल। आज हम लोग ब्लॉगिंग चालू करेंगे। आज हम लोग सबसे पहले चलेंगे जो यहाँ के लोकल वो हैं, जो बहुत ही फेमस है, खान सर। तो क्यों ना हम लोग सोचे कि खान रिसर्च सेंटर पे ही रिसर्च कर दिया जाए। तो इस ब्लॉग में आप लोग देखिएगा कि खान सर कैसे पढ़ाते हैं, कहाँ पढ़ाते हैं, कितना टाइमिंग है। चलिए शुरू करते हैं इस ब्लॉग को विद ग्रेट इंटेंसिटी एंड ग्रेट एनर्जी। आगे की वीडियो में मैं वॉइस ओवर कर दूंगा क्योंकि आवाज़ सही तरीके से नहीं आया था। तो सबसे पहले हम लोगों को गांधी मैदान पहुंचना है, उसके बाद वहां से आगे का रास्ता देखते हैं। हेलो गाइस, हम लोग गांधी मैदान पहुंच चुके हैं। गांधी मैदान आने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे चारों तरफ क्रिकेट हो रहा है, लोग बैठे हैं अपने अपने दोस्तों के साथ यहाँ मस्ती कर रहे हैं। तो गांधी मैदान में आने के बाद से हम लोग अब चलना है खान इंस्टीट्यूट के पास। खान इंस्टीट्यूट के पास जाने के लिए जो रास्ता है वो निखिल बताए। और इधर हम लोग देख सकते हैं, हम लोग गांधी मैदान में आए हैं और यहाँ पे बिस्कुमान है और इधर द पनाश होटल है जो कि बहुत प्रसिद्ध है पटना में। ये सिनेमा हॉल्स हैं, मोना सिनेमा और रीजेंट। और हम लोग को ये मोना और रीजेंट को ही फोकस करना है। और इधर से हम लोग मोना सिनेमा होते हुए जाएंगे मछुआ टोली की और खान सर के इंस्टीट्यूट पे। तो चलिए चलते हैं साथ में। तो सबसे पहले हम लोगों को जो चौराहा है वहाँ से PMCH वाले रास्ते की तरफ चल देना है। एक किलोमीटर के बाद आपको पटना विश्वविद्यालय शताब्दी द्वार दिखेगा और उसके आगे वाले टर्निंग से राइट टर्न ले लेना है। फाइनली यही वो गली है जिसमें हम लोगों को टर्न लेना है और आगे चलना है। और यहां से हम लोगों को लेफ्ट टर्न लेना है और लेफ्ट टर्न लेके आगे बढ़ना है। आगे वाले टर्निंग से हम लोगों को राइट टर्न ले लेना है और फिर आगे चलना है। सामने वाले टर्निंग से हम लोगों को लेफ्ट टर्न ले लेना है। तो फाइनली हम लोग अब पहुंच चुके हैं खान GS रिसर्च सेंटर। ये है खान GS रिसर्च सेंटर और इसमें कैमरा बिल्कुल भी अलाउ नहीं था, बट फिर भी हम लोगों ने रिकॉर्डिंग किया। चलिए देखते हैं और मिलते हैं इसके मैनेजर से। हेलो भैया, वो एडमिशन लेना है अगर खान सर में तो सर क्या इंक्वायरी चाहिए? हाँ, ये जो SSC का एग्जाम एक है अगस्त में, तो आप SSC के लिए एग्जाम है तो आपको यहाँ फाउंडेशन बेस करना होगा, ठीक है? अच्छा, देखिए
खान जी एस जीके जी एस में टोटल सर आपको टोटल 14 सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। साइंस में जो आपको बताया जाएगा उसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आर्ट्स में जो बताया जाएगा हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी, इसके अलावा आपको सर पढ़ाएंगे डिफेंस। हिस्ट्री का बैच चालू हो गया है, वीडियो नहीं देखा है का यूट्यूब पे सर? यूट्यूब पे तो देखते हैं लेकिन ऑनलाइन क्लास जो यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते हैं। ठीक है, 9 बजे जो हिस्ट्री का बैच चालू हो गया है इसमें 10 से 12 क्लास हो गया है। हां हां लीजिए सर, सर को मेन सर को मेन कप्तान को अंकित बाबा 8 बजे बायो का बैच आने वाला है 23 फरवरी को आएगा, ठीक है। 7 बजे पॉलिटी का बैच आएगा। गाड़ी कौन लगा दिया सुबह का यही लगाया 23 फरवरी को 2 बैच गार्ड को बोलिए वो अंकित को ले जाएगा। 2 बैच करना अनिवार्य है आप लोगों के 8 से 10 मंथ में टोटल फाउंडेशन का जो बैच है आपको कम्प्लीट कर दिया जाएगा। यहाँ पे अगर इंडिविजुअल क्लास करते हैं या सब्जेक्ट वाइज कीजिएगा उसका 1000 सीधा कितना फीस है? अगर इंडिविजुअल क्लास कीजिएगा सब्जेक्ट वाइज करके कीजिएगा 1000 रुपये फीस, तो टोटल 14 सब्जेक्ट है फिर आपको टोटल 14000 रुपये हो जाएगा। इसी फी का कंसेशन करके वन टाइम में जो है 5550 रुपये में आपको टोटल फुल जीके जी एस में एडमिशन हो जाएगा। इंस्टॉलमेंट पर ले जाएगा 6000 रुपये लगेगा। अच्छा, जीके जी एस टेस्ट सीरीज बंद है, ये अभी बंद है। तो बेसिकली वो समझाना चाह रहे थे कि टोटल 14 सब्जेक्ट्स है जिसका टाइमिंग 7, 8 और 9 बजे सुबह में है। अगर आप इंडिविजुअली कोई सब्जेक्ट लेते हैं तो 1000 रुपीज़ पर सब्जेक्ट लगेगा, और अगर आप टोटल लेते हैं एक साथ में तो 5550 लगेगा। अगर आप इंस्टॉलमेंट में देंगे तो 6000 लगेगा। अगर मैप और एटलस की बात करें तो इंडिया और वर्ल्ड कम्बाइन मिला के 400 रुपये लगेगा। 2.5 महीने का कोर्स होगा, शाम को 6 से 7 बजे तक 2 मार्च से क्लासेस चालू हो रही हैं। यही वो जगह है जहाँ पे सर पढ़ाते हैं, तो चलिए चलते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ एंट्री के लिए, चलते हैं अंदर। सेकेंड और थर्ड फ्लोर पे उनका वीडियो क्लास चलता है, सबसे पहले हम लोग वीडियो क्लास में चलेंगे, उसके बाद उनका डेमो क्लास लाइव अटेंड करेंगे। वीडियो क्लास में भी इतना ज्यादा बच्चे बाहर खड़े होके पढ़ रहे हैं। क्लास में एंट्री मिल गई है, अब यहाँ पे दिखाते हैं सर आने वाले हैं थोड़ी देर में, तो क्लास चालू होगा, क्लास पूरा भरा हुआ है। रिकॉर्ड करने का मौका नहीं मिल पाया क्योंकि रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं था। फाइनली हम लोग आ चुके हैं मैकडोनल्ड्स में, खान सर के आ गए थे, खान सर से मिलने का पूरा कोशिश किए लोग। खान सर तो बहुत ज्यादा बिजी सब थे तो उनके हम लोग डेमो क्लास अटेंड किए, और जो भी उसके मैनेजर से काफ़ी लंबा बहुत ही लंबा देर तक बात हुआ। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप, तो जितने भी क्वेरी उनकी चीज़ करनी है तो उनके कितने सब्जेक्ट वगैरह टाइमिंग से लेकर फी स्ट्रक्चर सारी हमने इस वीडियो में आपको बता दी है। को यहीं पे एंड करते हैं। इस ब्लॉग में आप लोगों ने खान सर के बारे में सब कुछ देखा होगा, पूरा डिटेल्स देखा होगा। अब हम लोग अगले वाले ब्लॉग में जो भी आप लोगों को कंटेंट चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि हमारा ये पहला ब्लॉग था, स्ट्रगल अभी बहुत बाकी है, बट हम लोग इम्प्रूव करते रहेंगे। आप लोग ब्लॉग में बताइए जरूर से, मतलब कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए।